अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट अदारों में जो न्यू जॉब्स आई हुई है उनके बारे में, कौन सी सीट्स हैं और इनका अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है, क्या ट्रेनिंग रिक्वायर है, किस सिटी की है, और चीज़ जो कुछ सीट्स आई हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट और प्राइवेट अदारों में सीट्स आई हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। पंजाब पुलिस में सीट्स आई हुई हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस में आई हुई है, तो इन तमाम के बारे में डिटेल को देखते हैं। डिटेल को देखने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट आसानी पहुँचती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंजाब पुलिस PHP और SPU दोनों में इनमें सीट्स आई हुई हैं, तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, फाइल मुकम्मल करके आपने जमा करवानी है। तो इनकी तमाम डिटेल देखते हैं कि इनकी फ़ाइल कैसे बनानी है और इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर इनकी एडवर्टाइजमेंट को मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी इनको डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको वेबसाइट बता दूँगा जहाँ से भी डाउनलोड होंगे और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले पंजाब हाईवे पेट्रोल बड़ा हो गया, तो ये देखें पंजाब कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, घोड़सवार, मल्टी कश्मीर। तो यहाँ पर देखें तमाम डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पर अहलियत भी उन्होंने बता दी है, अहलियत बराए ड्राइवर कांस्टेबल और अहलियत बराए कांस्टेबल घोड़सवार। तो यहाँ पर उसकी उम्र, जात, शादी और किस किस डिस्ट्रिक्ट में है वो भी यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना लाजमी है। तलीम भी यहाँ पर बता दी उन्होंने, दौर का बता दिया, ड्राइविंग लाइसेंस का बता दिया, अहलियत और काबिलियत का बता दिया कौन सी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, इनकी वेबसाइट से आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये एडवर्टाइजमेंट भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 9/5/2024 के स्टार्ट हुई है और 23/5/2024 इसकी लास्ट डेट है। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फिल करके उसके साथ डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज लगा दें, 3-3 सेट, तो वो आपने जमा करवानी है। एक स्टाम्प टेस्ट लगेगा और एक ट्रैक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस आपको मिलेगा आपका थाने से, तो वो आपने साथ जमा करवाना है। तो यहाँ पर इन्होंने कागजात भी बता दिए कौन कौन से कागज जो है वो साथ लोगों में, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो PHP का देखते हैं, पंजाब हाईवे पेट्रोल, तो इसमें भी इन्होंने तमाम डिटेल यहाँ पर बताई हुई है। तो यहाँ पर जो है दर्जेदार जो है लीड के कांस्टेबल वाले कांस्टेबल के लिए तमाम अफला जो है पंजाब के, वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलियत प्राइज ड्राइवर कांस्टेबल सिर्फ और लाहौर शेखपुरा, यहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बता दी, वो डिस्ट्रिक्ट वाले कर सकते हैं। तो यहाँ पर उम्र का इन्होंने बता दिया, उम्र कितनी होनी चाहिए कांस्टेबल, लेड कांस्टेबल और ड्राइवर के लिए अलग अलग है। यहाँ पर तमाम डिटेल लिखी हुई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डिटेल से बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि आज हम काफ़ी सारी सीट्स के बारे में बात करने वाले हैं, एक सीट पर बात नहीं करने वाले। तो यहाँ पर इनकी डिटेल जो है वो आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है वो आप यहाँ पर इन्होंने एड्रेस बता दिया है, इस एड्रेस पर आपने फॉर्म जो है वो जमा करवाना है। तो इससे आगे है SPU की भी यहाँ पर इन्होंने तमाम डिटेल जो है वो लिखी हुई है, कांस्टेबल, पार्लियामेंट कांस्टेबल और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की हैं। तो यहाँ पर देखें इसका जो लास्ट डेट भी उन्होंने बता दी, और यहाँ पर जो ये जमा होंगी ये DIG स्पेशल प्रोटेक्शन पंजाब लाहौर में जमा होंगी फाइलिंग की, इनकी आपके रीजनल पुलिस रीजनल ऑफिस में जो है वो नहीं होगी, ये IG पंजाब IG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट पंजाब लाहौर में होगी फाइल जमा, वहाँ से ही इनकी तमाम डिटेल जो है वो आप मिल सकते हैं। तो इनके एप्लीकेशन फॉर्म और ये एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पर मौजूद है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे आगे है टेलीफोन टेली कम्युनिकेशन, तो इसमें भी ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर और ड्राइवर की है, कांस्टेबल व लेडी कांस्टेबल की है, तमाम डिटेल जो है वो यहाँ पर लिख ली गई है, वो आप यहाँ से
देख सकते हैं। तो ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद यहाँ पर इन्होंने तमाम कागजात जो साथ ले जाने हैं वो भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया। 3-3 लगभग कॉपियाँ, तमाम डिटेल जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, कितनी तस्वीरें लगानी है, कितना कॉपीज लगानी है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आज लगाना है, वो फॉर्म डिटेल यहाँ पर लिखी है। आपने अच्छे से इसे रीड कर लेना और इसे फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर BNLP भी दिया हुआ है, हेल्प नाम आपने स्टाम्प ऑप्शन करवाना है, दस्तखत और अंगूठे का निशान लगा के आपने ये पुरस्कार जमा करवाना है। यहाँ पर हदायत भी मैंने बता दी है जहाँ के लिए कौन कौन सी तमाम ये डिटेल आप रीड कर लें और इजीली आप इसका अप्लाई कर पाएंगे। तो दूसरी जो है सीट्स आई हुई हैं वो है मोटरवे पुलिस में। मोटरवे पुलिस में पहले भी सीट्स आई थी, उनकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई 31 मई तक। तो आप अभी तक इसमें अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। तो यहाँ पर इनकी भी डिटेल उन्होंने बता दी, 21 सामने हैं, 4 सामने हैं, असिस्टेंट की फोटोग्राफर की 46 हैं, असिस्टेंट की 36 है, आपका डिवीजन का 31 है, लोअर डिवीजन का 71 है और पैरामेडिकल स्टाफ की 37। ये इसका जस्ट ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं और घर बैठे आप खुद भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि और कौन कौन सी सीट्स जो है वो आई हुई है और ओवरसीज कितनी सीट्स हैं, कौन कौन सी है और पाकिस्तान में जो प्राइवेट या गवर्नमेंट अदारे हैं वो और सीट्स आई हुई हैं, तो उनकी डिटेल देखते हैं। तो आपने गूगल पर सर्च कर लेना है डेली जॉब्स अपडेट, तो डेली जॉब्स अपडेट की वेबसाइट पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी सीट जो है यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर देखें लेटेस्ट फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाइप की पोस्ट, तो यहाँ पर देखें काफ़ी सारी जो है वो सीट जो है वो सीट भी है। यहाँ पर इस्लामी हॉस्पिटल चनौर की लगी हुई है, तो यहाँ पर ओवरसीज लगी हुई है सऊदी अरेबिया की, यूनाइटेड की है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो सीट आपको शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें जितनी भी सीट जो है वो न्यू आती है वो यहाँ पर अपलोड कर दी जाती हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसी एक पेज ओपन कर लेते हैं, आपने इस वेबसाइट पर जाकर आपने इसकी तमाम डिटेल जो है वो यहाँ से देख लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इस्लामिया हॉस्पिटल जो नॉर्थ ए प्रोजेक्ट ऑफ चनौर इस्लामिया, तो अर्जेंट रिक्वायर्ड हॉस्पिटल स्टाफ। तो यहाँ पर देखें पोजीशन का नाम लिखा हुआ है, पोस्ट नेम लिखा हुआ है, शिफ्ट भी इन्होंने बता दी, मॉर्निंग है, इवनिंग है और आगे क्वालिफिकेशन बता दी। तो यहाँ पर देखें इसका अप्लाई करने का भी बहुत ईजी सा काम है, यहाँ पर इन्होंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आपने इस ईमेल एड्रेस पर अपनी CV जो है वो सेंड कर देनी है, 31 मई इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जितनी भी सीट जो है और न्यू आती है वो यहाँ पर पोस्ट कर दी जाती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखें ओवरसीज भी हैं और जो हमारे मुल्क की है वो भी यहाँ पर है, यहाँ पर ओवरसीज सऊदी अरेबिया की लगी हुई है, UAE की लगी हुई है, सऊदी अरब की लगी हुई है, तो आप यहाँ पर इन तमाम की डिटेल जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखने मैं आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने इस वेबसाइट पर जाकर तमाम डिटेल जो है वो देख लेंगे। तो यहाँ पर इसकी तमाम डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं, आपको हर तरह की सीट्स की डिटेल मिल जाएगी। तो आपने इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ से इस पर इस वेबसाइट पर आकर यहाँ से आप सीट्स जो है वो न्यू जितनी भी आती है उनके बारे में देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बसानी पहुँचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।